रात के 9:30 बज चुके हैं। जस्ट हम लोग का अभी डिनर फिनिश हुआ है, तो मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ वो ओवरनाइट फ्रीजर में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था आइसक्रीम या कुल्फी बनाने के लिए, तो मैं एक बहुत ही इजी कुल्फी बनाना बताऊंगी जो घर पे सबके अवेलेबल होता है, तो आप लोग बना सकते हैं। इस समय गर्मी का मौसम आ गया, सबको मन होता है कि इस समय ठंडा कुछ खाएं पिएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुल्फी लेकर आऊं जो कि घर में आसानी से बन जाएगा और आप लोग अच्छा एंजॉय भी कर पाएंगे गर्मी के टाइम। और अभी लॉकडाउन है तो इस टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि अभी आप बाहर की आइसक्रीम भी बिल्कुल भी नहीं खा रहे होंगे, तो ये घर में बनाने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इसमें ज्यादा सामान नहीं लगना, जो अपने घर में इजी वे पे रहता ही है, सबके घर में रहता है, वही सामान से बनाना है। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ बढ़िया मलाईदार कुल्फी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटे तले का बर्तन लेंगे, जो गंजी अच्छी मोटी होनी चाहिए, नहीं तो पतली रहेगी तो जल जाएगी। तो एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, आप चाहें तो कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं, मैं अभी फिलहाल ये ले रही हूँ। और इसमें मैं दूध डालूंगी, ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, मैं 2 लीटर दूध की आइसक्रीम जमाऊंगी। गैस को ऑन कर लेते हैं, वो उबलने का वेट करेंगे और इसको कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे। दूध उबलने लगा है, इसको गैस को धीमी आंच में ही धीरे धीरे इसको पकाते रहेंगे। और ये जो किनारे की मलाई है इसको निकाल निकाल करके इसी में मिक्स कर देंगे। दूध गिरे नहीं इसलिए हम ये छन्नी को इसी में डाल देते हैं, जिससे दूध उफन के बाहर नहीं आएगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत ही अच्छी कुल्फी जमती है, मतलब जैसे मार्केट की मटका कुल्फी आती है उससे भी बहुत अच्छी रहती है। दूध गिरना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो दूध को धीमे में चला कर छोड़ दीजिए और बीच बीच में आकर के चलाते रहिए। और ये किनारे की जो मलाई है इसको जरूर बीच में ऐसे करके बीच में इसमें डालते रहिए। मैं इसमें शक्कर डालूंगी, 1 कप शक्कर डालूंगी, मेजरिंग कप है, 1 कप में शक्कर डाल रही हूँ, 2 लीटर दूध है। इसको तेज करके अच्छे से चला लेंगे जिससे शक्कर घुल जाए। ये शक्कर घुल गई है, अब गैस को फिर से धीमा करके इसको पकने लेंगे। ये रबड़ी जैसा बन गया है, अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें पिस्ता डाल दूंगी और एक बादाम है। सबको डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे। ये रबड़ी वाला दूध मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है, मथनी से फेंट सकते हैं। ये हैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर में ये वाला मथनी वाला जो है इसको लगाएंगे। और इससे इसको फेंट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, जैसा हमें चाहिए था कुल्फी के लिए सेम वैसा हो गया। जो इसमें दाने दिख रहे थे वो फूट गए हैं। आप इसको चाहें तो मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं। कुल्फी जमाने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, ये वाले सांचे यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा तो अभी आपके पास नहीं होंगे तो चाय या कॉफ़ी के ये पेपर के कप आते हैं, अगर आपके पास ये हों तो आप इसमें भी जमा सकते हैं, इसमें तो बहुत ही अच्छे से जमेगी कुल्फी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कुल्फी का ये मिक्सचर भरेंगे।
पास 6 थे तो मैंने 6 भर लिए। अब इसमें मैं ये जो चाय का भी दिखाया था कप, इसमें मैं भर के जमा लूंगी। ये सिल्वर फॉइल है, इसको ऊपर से रैप कर देंगे जिससे बर्फ वगैरह न जमने पाए, इसको ऊपर से इसे टाइट कर देंगे और इसके ऊपर सिक्योर रबर बैंड लगा देंगे ये ऐसे। और इसमें बिल्कुल हल्का सा चाकू की हेल्प से हल्का सा बीच में बिल्कुल सेंटर में होल कर देंगे और ये जो स्टिक आती है आइसक्रीम की उसको बीच में लगा देंगे। सबको इसी तरह हम कर लेंगे, इसी तरह ये चाय वाले कप को भी कर लेंगे। ये सब मैंने पैक कर दिए, रेडी हो गए। अब मैं इनको पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दूंगी जिससे सुबह ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएंगी कुल्फियाँ। मैंने सबको फ्रीजर में रख दिया है और मैं अब ये सुबह निकालूंगी, पूरी रात ये फ्रीजर में ही रहेंगे। अब वो पूरी रात फ्रीजर में रहेगा तो अच्छी जम जाएगी, मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे जमी है। 12:30 बज चुके हैं, किचन में सारे बर्तन साफ हो गए और हमेशा रात को मैं गैस सिलेंडर का नॉब बंद करती हूँ। आप लोग भी हमेशा गैस सिलेंडर का नॉब रात को बंद करके ही सोया करिए, बहुत सेफ रहता है। और चलिए अब मैं आपको सुबह मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को जो मैंने कुल्फी जमाई थी वो अब जम गई होगी। चलिए देख लेते हैं फ्रीजर से निकाल करके। ये कुल्फी जम गई है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। यह आइसक्रीम को खोलेंगे, रबर बैंड निकाल लेते हैं, इसको पानी में चारों तरफ ऐसे गोल घुमा देंगे, नॉर्मल पानी है जिससे कुल्फी आसानी से बाहर निकल आए। ये देखिए, ये कुल्फी जम गई, ये हमारी कुल्फी रेडी हो गई। पेपर वाले कप में जो कुल्फी जमाई थी अब उसको भी निकाल लेते, देखते हैं कैसी बनी है। देखिए, आपके पास अगर कुल्फी का सांचा वगैरह ना हो तो ऐसे चाय वाले जो पेपर कप आते हैं इसमें भी आप जमा सकते हैं। कुल्फी खा रही हो, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। टेस्टी है? बहुत टेस्टी है। कुल्फी बंडा, तो मतलब मैं एक कुल्फी का ठेला लगा सकती हूँ अभी लॉकडाउन में। लॉकडाउन है क्या? डोर टू डोर सप्लाई। अच्छा, डोर टू डोर सप्लाई ऑन डिमांड। लो भाई, अब मैं कुल्फी वाली बन गई। सब मेरे को बना दो, बाई कुल्फी वाली, और कुछ बचा है? कुल्फी सबको बहुत पसंद आई है, मतलब आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स या इलायची वगैरह डालें, आप दो इंग्रेडिएंट्स दूध और शक्कर, जो कि इस समय सबके घर में तो अवेलेबल होगा ही लॉकडाउन के टाइम, तो आप सिर्फ उससे भी कुल्फी बना करके एंजॉय कर सकते हैं गर्मी को।
तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।